हाँ खाने वाले से तो मैंने बात कर ही ली है, वो बोल रहा था कि मैं ना टिफिन दे जाया करूंगा टाइम पे। दिक्कत है तो सिर्फ कपड़ों की, मशीन धो तो देगी लेकिन प्रेस कैसे होंगे। चलो ठीक है मम्मी, मैं ना आपसे शाम तक बात करता हूँ, लगता है कोई आया है। हाँ ओके। कौन आ गया? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर बेल बजाई किसने? इनसे पूछ ले तो शायद इनको पता हो। एक्सक्यूज मी, मैं? हाँ जी आप बोलो। वो ना अभी मेरी डोरबेल बजी थी, आपने देखा कि किसने बजाई है? नहीं मैंने तो नहीं देखा। ओके थैंक यू। वैसे यहाँ के बच्चे ना काफी शरारती हैं, किसी की भी डोरबेल बजा के भाग जाते हैं। शायद आज आपके घर की बारी हो। बड़े चुलबुले हैं यहाँ के बच्चे। अरे मेरी टी शर्ट ये लो। थैंक यू, अब फिर से धोनी पड़ेगी टी शर्ट। इतनी गंदी भी नहीं हुई है कि दोबारा धोनी पड़े। हाँ मेरे को पता है गंदी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन गुंजड़ तो गई है ना। हाँ तो उसके लिए धोने की क्या जरूरत है, प्रेस कर लो। वही तो करनी नहीं आती ना, और ना ही मैं यहाँ पे किसी प्रेस वाले को जानता हूँ कि जाके करवा लूँ प्रेस। लाओ मुझे दो, मैं कर दूंगी। मैंने सुना तो था कि शहर के लोग ना काफी अच्छे हैं, लेकिन किसी अनजान के कपड़े प्रेस कर देते हैं, ऐसा नहीं सोचा था। तुम हंस के रही हो। अच्छा मैं समझ गया, तुम मजाक में कह रही थी कि मेरे को दे दो। नहीं नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच में कर दूंगी, लेकिन ये मैं फ्री में नहीं करूंगी, इसके पैसे लूंगी। पैसे लोगी? मैं कुछ समझा नहीं। इस एरिया में मैं प्रेस की टेबल लगाती हूँ और इस एरिया के सारे लोग मुझसे ही प्रेस करवाते हैं। ओ अच्छा, वैसे कहाँ लगाते हो आप? यहाँ सामने। यहाँ पे? लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और जब मैं कल शाम को आया था तब भी कोई नहीं था यहाँ। कल तो संडे था ना, तभी। और अब बस अपना सामान ही उठाने जा रही थी ताकि स्टार्ट करूं। सामान कहाँ से? दोगर छोड़ के सामान रखती हूँ और फिर आके ले लेती हूँ। अच्छा सही है। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। अरे ये टी शर्ट करवानी है प्रेस? हाँ। हाँ वो मैं ये कह रहा था कि टी शर्ट हो गई प्रेस? नहीं अभी नहीं हुई, बस अभी कर देती हूँ। ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। अरे इतना गर्म पानी पी रहे हो आप? तो फिर क्या हुआ? अरे यार एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से प्रेस का काम, फिर भी गर्म पानी पी लिया। अब तो आदत हो गई है, यहाँ रखे रखे गर्म हो ही जाता है। खैर कोई बात नहीं। ये लो पानी। पानी? लेकिन पानी तो है मेरे पास। हाँ पानी है लेकिन ना वो गर्म है, ये ठंडा पानी है, ये पी लेना। अब भी ठंडा पानी पी लूंगी, लेकिन बाद में तो गर्म पानी ही पीना पड़ेगा ना, इसलिए रहने दो। देखो आप ऐसा करो ना, आप एक पानी की बोतल मेरे से ले लिया करो, या फिर अपनी एक एक्स्ट्रा बोतल ले आना, उसे हमारे फ्रिज में लगा देना, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये लो आपकी टी शर्ट। कितने पैसे हो गए? कोई बात नहीं रहने दो। अरे ये क्या बात हुई, देखो हिसाब हिसाब है, बाकी सब किताब है। अच्छा ऐसा है तो 5 रुपए हो गए। ठीक है आप ऐसा करना, कॉपी में लिख लेना, मैं आपको हफ्ते के इकट्ठे पैसे दे दिया करूंगा। ठीक है। वैसे
आपने मेरा नाम तो पूछा नहीं, फिर लिखा किस नाम से? ठंडे पानी वाले नए पड़ोसी के नाम से। पानी पी लेना। थैंक यू। समझ नहीं आया क्या कल बात? मेरे को एक दो दिन का टाइम दे दो बस। ये बात बोलते बोलते तो तेरे को 3-4 दिन हो गए हैं। कोई दूसरी जगह नहीं मिल रही, जैसे ही मिल जाएगी मैं हटा लूंगी। तेरे मिलने ना मिलने से मेरे को कोई मतलब नहीं है, कल से यहाँ पे हटा लियो इसे, मेरे को गाड़ी लगाने में दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन आपके पापा कह रहे थे कि सामान की दिक्कत मत लेना, सामान रख दिया करना, मैं किराया टाइम पे देती रहूंगी। अपनी कोई और जगह देख लियो, हमारे यहाँ पे एक भी सामान नहीं रखियो अपना। और हाँ, अगर सामान रखना है तो किराया 5,000 रुपए देना पड़ेगा। 5,000? लेकिन 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 का मुझे नहीं पता, मैंने बताना था बता दिया। ये लो। क्या बात, आप रो क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। आप बता सकते हो कोई बात है तो? अपना ना समझ के गैर समझ कर ही बता दो, अक्सर गैर ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। वो मेरी टेबल। क्या हुआ टेबल को? अब से मेरी टेबल नहीं लगेगी। टेबल नहीं लगेगी, लेकिन क्यों? जिनके घर के सामने मैं टेबल लगाती हूँ उन्होंने मना कर दिया है और कह दिया है अब से सामान भी नहीं रखना। लेकिन ऐसा किया क्यों? इतने टाइम से तो आप यहीं पे रख रहे हो। हाँ, लेकिन अब वो किराया बढ़ाने के कह रहे थे, और अगर मैं सारे पैसे किराए में दे दूंगी तो बचाऊंगी क्या? अच्छा, बस इस बात पे ही आंसू बहाए जा रहे हैं। मेरा काम है प्रेस का, और ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरे घर के सारे खर्चे इसी से चलते हैं। हाँ, बात छोटी तो नहीं है, लेकिन इसका ना सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? देखो, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो ना तो आप अपनी टेबल मेरे घर के सामने लगा लो और अपना सामान घर के अंदर रख देना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 2500 ही किराया दे सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो ऐसा आपको किसने बोला कि मेरे को 2500 रुपए किराया चाहिए? मतलब? मेरा मतलब है कि मेरे को कोई भी किराया नहीं चाहिए और ना ही मेरे को कोई दिक्कत है मेरे घर के सामने टेबल लगाने से। अच्छा, आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा दिल जो बोल रहा है ना, मैं तो बस वही कर रहा हूँ। ये लो। ये किस लिए? आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी ट्रीट आपके साथ ही शेयर कर लूँ। हैप्पी बर्थडे। लेकिन मेरे पास अभी गिफ्ट देने के पैसे नहीं है। गिफ्ट तो ना आर्टिफिशियल होते हैं, और मेरे को तो आपका साथ चाहिए। साथ चाहिए? हाँ, वो भी जिंदगी भर का। मैं कहाँ, आप कहाँ? मैं भी यहाँ पर हूँ और आप भी यहाँ हो, और वैसे भी इंसान वही सच्चा होता है जो तरक्की तो आसमान तक ऊंची करे लेकिन उसके पैर जमीन पे रहे। तेरी छोटी छोटी बात, तेरी हर एक मुलाकात, तड़पाए मुझको लम्हा लम्हा तेरा साथ, लम्हा लम्हा तेरा साथ। I'm not afraid to die।